मुल्तान में निश्चर मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में दरख्त पर आसमानी बिछलिया गिरी, फोर्टिस रोही को मौसूल, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रोजान में तकिया गोपांग के घर पर आसमानी बिजलियां गिरी, अहमदपुर शर्किया में आसमानी बिजली से दरख्तों को आग लगी, रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, गंदम की तैयार फसल को नुकसान से बचा लिया गया। आसमानी बिजली से जान बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मुआवनत की जाएगी, DGPDM में इरफान अली काठिया का मुतालिका इजला के डीसी से टेलीफोनिक राबता, इंसानी जानों के जिया पर इजहार अफसोस, जख्मी को बेहतरीन दिबी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में हालिया बारिशों से तैयार फसलों को नुकसान का खतरा, महकमे मौसमियात ने आइंदा दो रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी, आम के दरख्तों पर लगे बूर पर हालिया बारिशों के असरात मुरतब होने का खदशा। जनूबी पंजाब में बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया, मुल्तान की खस्ता हाल सड़कों पर बारिश का पानी जमा, 3 साल से जेर तामीर अल मुस्तफा रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा, निकासी आब का निजाम भी बुरी तरह मुतासर, शहर का जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। बारिश के बायस बहावलपुर की सब्जी एंड फ्रूट मंडी कचरा कुंडी में तब्दील, मॉडल सब्जी मंडी में निकासी आपका सिस्टम ही मौजूद नहीं, ताजिर आरती और मंडी आने वाले शहरियों को गुजरने में मुश्किल का सामना। उधर ईसा खेल में मेन अड्डे पर दुकानों के सामने बारिश का पानी जमा, निकासी न होने पर जामिया मस्जिद फिजान मदीना और मुलेका दुकानदार परेशान। शहर आलिया में मूसलाधार बारिश के बाद वासा मुल्तान भी मुतहरे, हैवी मशीनरी के जरिए मेन शहराहों से पानी की निकासी का अमल शुरू, एक्सीएन वासा मोहम्मद साजिद तिरोही से गुफ्तगू, कहा सुबह से होने वाली बारिश के बायस वासा की टीम फील्ड में मौजूद है। फोर्ट मन्नो में नौजवान गर्म पानी के चश्मे में नहाते हुए डूब गया, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद असद खान चांडिया का नोटिस, तहकीकात के लिए खुद गर्म ऑफ के मुकाम पर पहुंच गए, चश्मे पर सियाहों के नहाने पर पाबंदी लगा दी। मुल्तान में शेख कोरोनोश की कीमतें कम ना हो सकी, शहरी महंगी सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर, लहसुन अदरक 600 रुपए किलो फरोख्त, मार्केट में टमाटर 240, प्याज 200 और हरी मिर्च 160 रुपए किलो फरोख्त, मुख्तलिफ इकसाम के सेब 200 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त। टैक्स ना देने वाले अपना किबला दुरुस्त करें वरना एक्शन होगा, मुल्क भर के 18 लाख नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का फैसला, चेयरमैन FBR ने मंजूरी दे दी, रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान ने भी नॉन फाइलर्स का डाटा मुरतब करना शुरू कर दिया। जहानिया में गंदम की तैयार फसल को आग लगी, चौक मेतला और 113-10R में गंदम की तैयार फसल जलकर खाकसर, दूसरी जानिब सो कनाल पर तैयार गंदम की फसल को तबाह होने से बचा लिया गया, रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। ईद उल फितर की छुट्टियां इख्तिताम पजीर, जनूबी पंजाब के मुलाजमीन मुसाफिरों ने रिश्ते सफर बांध लिया, अपने अपने मुकाम की तरफ रवानगी का सिलसिला जारी, सिलसिला रोजगार की खातिर बड़े शहरों की जानिब रवाना, चिश्तियां के शहरियों का कहना है ईद अच्छी गुजरी है लेकिन काम भी जरूरी है। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद कॉलेज के ग्राउंड में क्रिश्चियन प्रीमियर लीग का मैदान सज गया, मसीही बरादरी की 6 टीमें मदे मुकाबल, ग्राउंड में छक्के चौकों की बरसात, शाकिन क्रिकेट खूब लुत्फानंदोज हुए, फादर इमरान खुर्शीद का खेल के मैदान को सालाना रवायात में शामिल करने का इंदिया। और सखी सरवर में सदियों पुराना बैसाखी मेला सज गया, मुल्क भर से आला नस्ल के ऊंट बैसाखी मेले में पहुंच गए, खरीदारी के लिए व्यापारियों का रश भी बढ़ता जा रहा है, कहते हैं पिछले साल की नस्बत इस साल रेट्स बहुत ज्यादा हैं।